तो फिर से शुरू हो गया यार। हमने डिसाइड किया था ना कि अब से सिर्फ दारू पार्टी। अबे राजवीर कुछ बोलना है यार इसे। अरे तेजपाल यार चिल मार, नशा क्यों खराब कर रहा है? और तेरी दारू तो क्या, दुनिया का कोई भी नशा इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख ले। तेरे को जो ठीक लगता है कर, तेरे को वैसे भी किसी की सुननी तो है नहीं। अबे तेजपाल, अबे जाने देना उसे, जिंदगी के मजे लेने दे और तू अपनी दारू के मजे ले, ले। दिनभर से अब टाइम मिला तुझे मुझसे मिलने का? तेरे लिए तो टाइम ही टाइम है। चुप कर, झूठ ना बोल तू। वो तो मैंने तुझे फोन करके बुलाया, ये तो अभी तू पार्टी कर रहा होता अपने दोस्तों के साथ। बातें सुनाने को बुलाया, क्यों टाइम वेस्ट कर? आई लव यू बरखा। फिर बरखा? मैं तुझे बरखा दिखाई दे रही हूँ? करण मैं हरजोत हूँ। करण बरखा तेरी लाइफ से जा चुकी है, वो नहीं है तेरी जिंदगी में। मैं हूँ, हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। करण हरजोत क्या कर रही है तू यहाँ? और ये चपसी यहाँ क्या कर रहा है? पापा वो मैंने इसे बुलाया था। नीचे जा। पापा पर अब कुछ मत करना है इसके साथ पापा, अब मेरी कसम। ठीक है, नहीं करूंगा, जा नीचे। जा! फिर आ गया तू हैं? चल यहां से, चल नीचे। पापा अंदर ले जा इसको, अंदर ले जा, चल चल अंदर ले जा इसे। तो फिर आ गया, मैंने तुझे बोला था ना यहाँ दिखना नहीं। फिर चल यहाँ से। साढ़े चरसी, तू ऐसा नहीं सुधरेगा। दूर रहे मेरी बेटी से, मेरी बेटी से दूर रहे, दूर रहे मेरी बेटी से। करण, करण उठ, उठ पुत्र, क्या हो गया? उठ जा। अरे जी संभाल लो इसनो, और पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तुम्हारा ये चरसी और निकम्मा बेटा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मेरी इज्जत नाल खेल रहा है। माफ करना वीर जी, मैं मानती हूँ मेरा करण गलत है, लेकिन आपकी हरजोत, उसे भी तो रोको ना, क्यों बुलाती है वो मेरे बेटे को? संभल के बोलना, बहकाया इसने उसको। अब की बार तो हाथ ही उठाया, अगली बार अपने आप को रोकूंगा नहीं, मार डालूंगा इसे। क्या बात है, आज तो आपका शहजादा इतने सवेरे उठ गया। हाँ कल रात को नशा नहीं करके आया क्या मम्मी? ऐसी बातें करती है ना भाई, है वो तेरा मम्मी, मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं मिटने वाली। गुरप्रीत ठंड रख,
सच्ची तो बोल रही हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी ना उससे। मम्मी कोई फायदा नहीं उससे बात करके। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। बरका, मैं वो तुझसे कुछ बात करना चाहता। अब क्या बात करनी है तुझे? मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर। और ये मत बोल कि मेरी शादी हो चुकी है, समझा तू? बरका ऐसा मत बोलना। हाँ छोड़ मेरा। मैं तो क्या दुनिया की कोई भी कुड़ी ना तेरे जैसे शराबी नशेड़ी के साथ में शादी नहीं करेगी। बहुत कुछ जानती है ना मेरे बारे में, तो मैं भी तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पिछले 5 साल से अपने पति और अपनी फैमिली के पीठ पीछे जो कुछ कर रही है ना, सब जानता हूँ मैं। अगर मैंने तेरे पति और तेरी फैमिली को बता दिया तो कितनी बेइज्जती होगी तेरी। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा? नहीं नहीं, मैं तुझे ब्लैकमेल क्यों करूंगा, मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि सोच ले मेरे बारे में। नहीं तो तुझे पता है क्या कर सकता हूँ ना मैं। हेलो, इस करण का कुछ करना पड़ेगा, कह रहा है कि सब कुछ जानता है और सबको सब कुछ बता देगा। कैसा है करण? करण, तेरे जीजा जी कुछ पूछ रहे तुझसे। तो क्या करूं, मेरा जवाब देने का मन नहीं है। करण बदतमीजी ना कर, नशा के तेरे सर पे चढ़ गया है, जो बड़ों से बात करने की तमीज भूल गया तू। तेरे जैसे बड़े ना बहुत देखे मैंने। अरे कैसी बातें कर रहा है, बड़ी बहन है वो तेरी। अरे मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा तो तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? हाँ तो ठीक है, चल बता बता ऐसे कौन से जरूरी काम होते हैं तुझे, बता ना। मैं बताऊँ? आधी रात कुड़ियों के घर में घुसना और फिर उनके बाप से मार खाना, ये काम होते हैं तेरे? क्यों आती है तू यहाँ, निकल अभी के अभी। चुप, ये घर तेरे नाम पर नहीं है जो तू इतनी आकर दिखा रहा है मुझे। अच्छा अब समझा मैं, ये सब ड्रामा तू उस जमीन के लिए कर रही है ना जो मेरा नाम है। वो जमीन पापा की थी और जितना हक तेरा उस जमीन पे ना उतना हक मेरा भी है, समझा? वो जमीन मेरे नाम है और भूल जाओ, उसमें से मैं तुझे 1 इंच भी दूंगा। क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? चुप कर जा रब दवास्ते, चुप कर जा गुरप्रीत। एक बच्चा तो दे नहीं सकती अपने पति को बात करते। करण करण चुप कर, माफी मांग तो गुरप्रीत से। करण करण नशे के आदि होकर दुनिया में लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या 25 साल का करण बाजवा भी उन्हीं में से एक होने वाला था? क्या था करण का भविष्य? क्या नशे की लत की अंधेरी गुफा में कोई नई किरण दिखाई देने वाली थी, या फिर यह अंधेरा ही उसके जीवन का अंत था? हेलो, सत श्री अकाल आंटी जी। बेटा तुझे पता है करण कहाँ है? नहीं आंटी, मेरी बात नहीं उससे, रुको मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। नहीं नहीं, फोन तो उसका परसों से ही ऑफ आ रहा है, घर पे भी नहीं है, तुझे पता है कहाँ जा सकता है वो? आंटी मुझे तो नहीं पता, आप एक काम करिए ना, आप राजवीर को फोन करके पूछ लीजिए, शायद उसे कुछ पता हो। नहीं आंटी, परसों रात को ही हम मिले थे, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया। आंटी आप टेंशन मत लो, मैं कुछ जगह जानता हूँ जहाँ पे वो जा सकता है, वहाँ पे देखता हूँ शायद मिल जाए।
तू पहले यहाँ आ जा, मैं चलूंगी तेरे साथ। सागर, सागर। हाँ सागर। पिछले दो दिन में तूने करण को कहीं देखा है? आज कल परसों कभी भी देखा है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। करण मुझे बगैर बताए से कहीं नहीं जाता था। उसे कुछ हो तो नहीं गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आंटी आप डरिए मत, वो एकदम ठीक होगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सब देख के मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा बेटा। पुलिस के पास चले। हाँ आंटी, चलने में कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है आपको गुरप्रीत जी और जीजा जी के साथ जाना चाहिए। करण दो दिन से गायब है सर, हमने हर जगह ढूंढा उसे पर वो कहीं नहीं मिला। रब नवाजते मेरे बच्चे को ढूंढ दो जी। आखिरी बार कब देखा था उसे? 4 सितंबर को, जब मैं गुरप्रीत के ससुराल गई थी ना मोगे, तब। करण, मैं जरा दो दिन के लिए मोगे जा रही हूँ गुरप्रीत के पास, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आ जाऊंगी। जरा अपना ध्यान रखना। हाँ कुछ, हाँ कुछ पैसे चाहिए। कितने? 10,000। इतने पैसे क्यों चाहिए? कुछ काम है। क्या काम है? दो दिन पहले वो रेंट के पैसे उठाए थे ना, कहाँ गए वो? नशे में? सारे पैसे नशे में उड़ा दिए तूने? ये पैसे चाहिए ना तो इस घर से बाहर निकल, कमा और जिन्हें चाहिए खर्च कर ले। हाँ हाँ, जाओ अपनी बेटी के पास और बोल देना अपनी बेटी को भी एक पैसा नहीं दूंगा, एक इंच नहीं दूंगा अपनी जमीन का, देख लूंगा सबको। मौका पहुंचते ही मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा गुस्सा है इसीलिए फोन नहीं उठा रहा है, बाद में उठा लेगा। लेकिन उसके बाद से तो उसका फोन ही बंद आ रहा है जी, परसों रात से। जिन्हें नंबर दे तो से कॉल किता है वो अच्छे बंद है। गुरप्रीत। हाँ पुत्र, पहले कम से कम घंटी तो जा रही थी, अब तो फोन ही बंद हो गया। मम्मी आप उसे बार बार फोन कर रहे हो इसलिए तब आके उसने फोन बंद कर दिया होगा, टेंशन ना लो। 7 तारीख को जब मैं घर वापस आई तो वो घर पे भी नहीं था। आपके बेटे को शराब या ड्रग्स की लत है? जी सर, वो शराब भी पीता है और ड्रग्स भी लेता है, एडिक्शन है उसे। पत्री क्या हुआ, क्या मामला? सर ये लोग मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आया है, ये करण बाजवा 5 सितंबर की रात से गायब है। ये आपका बेटा है? हाँ जी हाँ जी, परसों से गायब है जी, हम बहुत परेशान हैं। साहिब नगर में किसी को जानती हैं आप? साहिब नगर? क्या हुआ? कल सुबह साहिबनगर पुलिस को वहां एक वीरान इलाके में करण की डेड बॉडी मिली। आप लोगों को डेड बॉडी की पहचान करनी होगी ताकि हम कार्यवाही आगे बढ़ा सकें। मम्मी, बॉडी की पहचान हो गई है सर, बॉडी हरलीन बाजवा के बेटे करण बाजवा की है। हरलीन की बेटी गुरप्रीत की तबीयत खराब थी, इसलिए हरलीन गुरप्रीत से मिलने 4 सितंबर को उसके घर मोगा गई थी। 5 सितंबर को करण का फोन स्विच ऑफ हुआ और वो लापता हो गया, और 6 सितंबर की सुबह को करण की लाश साहिब नगर के वीरान इलाके से मिली। करण यहाँ एसपी नगर में रहता था, ये साहिब नगर में क्यों गया? इसके फोन की डिटेल्स हैं? कल सुबह तक आ जाएंगी सर, पर करण का पोस्टमार्टम हो गया। इंस्पेक्टर ये 100% मर्डर है, रस्सी से गला घोंट कर इसे मारा गया, और बॉडी से जितनी मात्रा में अल्कोहल और ड्रग्स मिला है उससे साफ कहा जा सकता है कि अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट था। डॉक्टर, क्या ये पॉसिबल है कि इसे ड्रग का ओवरडोज देकर मारा गया? नहीं, पक्का गला दबाकर मारा गया है, इसके गले की नसें फटी, और हाँ जिस दिन इसे मारा गया है
उस दिन भी ये हार्ड ड्रग्स लिया हुआ था, जिसके कारण ये खुद को बचाने का प्रयास भी नहीं कर पाया। मौत कब हुई होगी? परसों रात 10 और 12 के बीच। परसों मतलब 5 सितंबर को, उसी रात जिस रात ये गायब हो। करण साहिब नगर क्यों गया होगा? वहां करण का कोई दोस्त रहता है या आप लोगों का कोई रिश्तेदार? नहीं जी, हमारा वहां कोई रिश्तेदार नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि करण को नशे की लत थी, वो ड्रग एडिक्ट? जी पता था, करण अपने पापा का बहुत लाडा था। 7 साल पहले जब उसके पापा की हार्ट अटैक से डेथ हुई, तो अपने पापा का दुख भुलाने के लिए उसने शराब पीनी शुरू कर दी। ये बात मुझे पता थी, लेकिन उसने ड्रग्स कब लेने शुरू कर दिए मुझे नहीं पता। आप लोगों ने करण को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती क्यों नहीं करवाया? सर वो भी करके देखा, एक बार नहीं कई बार, पर करण वहां टिकता ही नहीं था, कुछ ही दिनों में वापस भाग आता था। करण की किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? दुश्मनी तो नहीं थी, पर 2-3 हफ्ते पहले हमारे पड़ोसी हैं दिलबाग सिंह जी, उन्होंने करण को धमकी दी थी, कहा था कि अगर वो नहीं सुधरेगा तो वो उसको जान से मार डालेंगे। ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने करण को और उनकी बेटी हरजोत को एक साथ देख लिया था। हरजोत? ये हरजोत करण की गर्लफ्रेंड थी? हमें नहीं पता कि वो करण की गर्लफ्रेंड थी या नहीं, वो तो बस करण की बचपन की दोस्त थी। हरजोत और दिलबाग के फोन नंबर दीजिए और करण के दोस्तों के, शायद उनसे कुछ पता चले। तुझे चाहती थी वो तो हो गया, मर गया करण। मेरे छुपे निकालने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये क्या बोले जा रही है तू? मैं बस इतना चाहती थी कि ये मेरा पीछा ना करे, ये सब नहीं चाहती थी मैं। चुप कर, झूठ मत बोल। तू कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसे बेइज्जत करने का। निकम्मा है, मर क्यों नहीं जाता, ना जाने क्या क्या कहती थी। तूने तो मेरे करण के साथ ऐसे नहीं किया ना। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि तूने मारा ऐसे, ये सब जानते हैं कि तू कैसे इसके पीछे पड़ी रहती थी, बस यही तुझे भाव नहीं देता था। और तेरे पापा ने तो इसे धमकी भी दी थी, ये तो सबको पता है ना। जुबान संभाल के बात कर, समझो ना, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। शांत हो जाओ तुम लोग, बंद करो ये तमाशा। सर, करण का फोन मर्डर की रात यानी 5 सितंबर को उसी की कॉलोनी में रात 9:35 पर स्विच ऑफ हुआ था। जिस रात करण का मर्डर हुआ उसके फोन पर आखिरी कॉल किसका था? उसके फ्रेंड तेजपाल का, ये भी करण की कॉलोनी एसबी नगर में रहता। इनफैक्ट इसके दोनों दोस्त तेजपाल और राजबीर, इन दोनों ने ही करण को मर्डर से पहले आखिरी बार देखा। परसों रात को ही हम मिले थे। बुलाओ दोनों को, मैं बात करता हूँ, और तुम पड़ोसियों से बात करो। करण जिस लेवल का नशा करता था, तो हो सकता है नशा करके उसने मोहल्ले में कई हंगामे किए हों, झगड़े किए, और अगर ऐसा है तो उसने किसी न किसी से दुश्मनी जरूर मोल ली होगी। राइट सर। और खबरें से कहो कि करण और उसकी फैमिली की सारी बैकग्राउंड खोद निकाल। सर, करण है ना बहुत अच्छा लड़का था, सबकी मदद करने वाला था, पर जब से उसने नशा करना शुरू किया बर्बादी हो गया। नशे की लत ने उसे हरलीन भंजी के लिए ही नहीं, पूरी कॉलोनी के लिए सरदर्द बना दिया था। कॉलोनी का सरदर्द मतलब किसी से कोई झगड़ा दुश्मनी रही होगी? दुश्मनी का कोई पता नहीं, पर लोग उससे परेशान ही थे। अरे आज सवेरे ही उसके घर में कितना बड़ा हंगामा हुआ है। अब क्या लेना है तू? या तुझे चाहती थी वो तो हो गया, मर क्या करण? ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि तूने मारा ऐसे। ये हरजोत और बरखा एक दूसरे पे इल्जाम क्यों लगा रही थी? वो क्या है ना सर, हरजोत, बरखा और करण तीनों बचपन से ही दोस्त थे, साथ ही बड़े हुए, पर बड़े होके करण को बरखा से प्यार हो गया, पर बरखा उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, उल्टा हरजोत करण के पीछे पागल थी, और करण उसे पूछता ही नहीं था, और इसी सब में उनकी दोस्ती खराब हो गई। जिस रात करण का मर्डर हुआ उस रात करण को आखिरी बार तुम दोनों ने देखा था? हाँ जी सर, उस रात करण 10 बजे तक हमारे साथ ही था, फिर वो चला गया। करण का फोन स्विच ऑफ हुआ 9:35 और 10 से 12 के बीच में उसका मर्डर हुआ। अगर 10 बजे तक वो तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर पर था, तो 9:35 पर उसका फोन स्विच ऑफ किसने किया? तुम दोनों ने। बोलो क्यों मारा उसे? सर जी आप क्या कह रहे हैं? सर कह नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं क्या हुआ था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था जो तुम दोनों ने या तुम दोनों में से किसी एक ने उसको मार डाला? सर हम उसे क्यों मारेंगे, और वैसे भी सर उसका फोन तो घर से निकलने से पहले ही स्विच ऑफ हो गया था। चलो मैं निकलता हूं। इतनी जल्दी? हाँ यार,
खाऊंगा फिर घर सोने चला जाऊंगा। अबे सुन, अबे तेरा फोन बंद है, चार्ज कर ले। चार्ज कर लूंगा घर जा। तो उसका फोन तुम लोगों ने स्विच ऑफ किया होगा, क्या सबूत है कि तुम लोग सच बोले? सर आपको देने के लिए कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास, पर उस रात यही हुआ था। सर सर हम कसम खा के कह रहे हैं, सर हम झूठ नहीं कह रहे, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड हो तो फिर इतना भी जानते हो कि बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में कोई थी या नहीं थी? बोलो, थी कोई? हाँ, मैं करण से प्यार करती थी, और आज से नहीं, जब मैं 12 साल की थी तब से। लेकिन करण तुमसे नहीं, बरखा से प्यार करता था, है ना? हाँ, शुरू में वो बरखा को चाहता था, पर 2 साल पहले जब बरखा की शादी हुई, उसके बाद मैं और करण क्लोज है, हमारा अफेयर, हमारा रिलेशनशिप शुरू। अगर ये सच है तो फिर बरखा ने यही क्यों कहा करण तुमसे प्यार नहीं करता था? आई लव यू बरखा। अब बरखा क्यों झूठ बोल रही है ये मुझे नहीं पता, पर सच तो ये है कि मैं और करण साथ में बहुत खुश थे। तुम्हें क्यों लगता है कि बरखा करण की मौत चाहती थी? क्योंकि बरखा करण से बहुत नफरत करती थी। बरखा तुम्हारी भी दोस्त है ना? हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, पर अब उसकी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी, दोस्ती दुश्मनी जैसा कुछ नहीं है। वो निकम्मा धरती पे बोझ था जी, मुझे उस चर्सी के बारे में कोई गलती करनी। वो मर चुका है, तब भी आपकी नफरत कम नहीं हुई है? तब तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी ये जानकर कि आपकी बेटी उससे प्यार करती है। बहुत थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो निकम्मा मेरी बेटी के लायक नहीं है। तो उसका कोई उपाय नहीं किया आपने? कोशिश तो की थी कि हरजोत की कहीं शादी हो जाए और वो उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। बेटा ऐसे नहीं करते बेटा। मुझे कोई बात नहीं करनी, सिवाय इसके कि आप लोग मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं करोगे। नहीं, बोलो नहीं करोगे? देखो वरना मैं मार लूंगी खुद को। नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे। तू रख दे, पीछे रख। उस दिन के बाद मैं इतना डर गया था कि उसके बाद कभी हरजोत से शादी के बारे में बोल लिया नहीं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए करण का मर्डर करवा देना सबसे अच्छा उपाय है। उपाय तो अच्छा है जी, पर मैंने मारा नहीं उसे, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद हरजोत कभी मुझे माफ नहीं करती। सर हरजोत करण से बहुत प्यार करती है सर। और करण? करण उससे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उसे यूज कर रहा था। हरजोत को ये पता था? पता नहीं सर। मान लो अगर हरजोत को पता था कि करण उसे यूज कर रहा है, तो क्या हरजोत करण को नुकसान पहुंचा सकती थी? नहीं सर, कभी नहीं सर, वो तो करण से बहुत प्यार करती थी सर। तुम लोगों को पता नहीं है 80% क्राइम प्यार करने वाले ही करते हैं। सर हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, और करण ने प्यार व्यार की बात करके सब खराब कर दिया। ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई भी थी, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। हाँ बोल, क्या बोलना था तेरे को? बरखा मैं तुमसे। देख करण, तुझे जो कुछ भी बोलना है ना जल्दी बोल, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। देख करण, हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं, पर सिर्फ फ्रेंड है, मैं तुझे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं देख सकती यार। देख मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर सिर्फ फ्रेंड वाला। प्रॉब्लम क्या है मुझमें? करण तुझमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तू बहुत अच्छा लड़का है, तुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है, पर तुझे पता है ना कि मेरे पापा कैसे हैं, अगर उन्हें इस सब के बारे में पता चल गया तो घर में हंगामा हो जाएगा। लेकिन बरखा। करण प्लीज प्लीज मुझे अपने दिमाग से निकाल दे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। सर मेरे इतने समझाने के बाद भी करण ने मेरी एक बात नहीं सुनी, उसने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया, वो मेरा पीछा करने लगा, दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी सर, और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। बरखा। करण तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा? कल मुझे आपसे बात करनी है, घुमा फिरा के नहीं कहूंगा, सीधे सीधे बोलता हूँ मैं बरखा से प्यार करता हूँ, हमेशा खुश रखूंगा इसको मैं, और ये भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, लेकिन आपके डर से बोलते नहीं है कभी। पापा ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे कोई प्यार व्यार नहीं करती पापा, मैंने इसे कभी नहीं कहा कि मैं इसे प्यार करती हूँ, ये झूठ बोल रहा है पापा। शगुन। पापा इसकी बात ना सुनिए। अंदर लेके जाओ। तू अभी की अभी मेरे घर से निकल जा, और दोबारा कभी दिखाई मत देना। भूल जा बरखा को, चल निकल निकल बाहर। ये चल रहा तेरा पढ़ाई के नाम पे? पापा करण बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस बहुत होगी तेरी पढ़ाई, आज के बाद तू करके बाहर नहीं जाएगी। 15 दिन के अंदर मैं कोई लड़का ढूंढ के तेरा ब्याह करूंगा, पर अगर तूने कोई भी तमाशा करने की कोशिश करी ना,
तो जान से मार दूंगा तुझे, समझी? सर उसकी वजह से मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब बर्बाद हो गए। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी सर। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुमने उससे बदला लिया उसका मर्डर करके? क्या सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा उसे। करण को मारने का मकसद था तुम्हारे पास और उसका मर्डर तब हुआ जब तुम अपने माँ के पास आए। मेरी मम्मी की तबीयत खराब चल रही है इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ सर। सर हम आपको ये कैसे बता सकते हैं सर कि बरखा करण का मर्डर कर सकती है या नहीं? हरजोत को छोड़कर उसके पिता दिलबाग और बरखा के अलावा और किसे करण से प्रॉब्लम थी? पता नहीं सर, हमें जो कुछ पता था हमने आपको सब सच सच बता दिया। हेलो, हाँ बोलो। हाँ पुलिस आई थी यहाँ पे पर उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ मैंने सब संभाल लिया है। हर्षोत बेटा, मुझे मालूम है तू बहुत दुखी है लेकिन सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा कुछ खा ले। वो निकम्मा, वो जसीकरण मर गया। अभी खुश हैं आप? कहना क्या चाहती तू? पापा सच बोलिए, क्या आपका इसमें कोई हाथ था? मुझ पर शक कर रही बेटा? नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। पापा सॉरी पापा। हाँ सरबजीत पाजी, अगले महीने सगाई रख लेते हैं और शादी की डेट भी निकाल लेंगे, आप शादी की तैयारी करो। हाँ जी, हरजोत मान गई है शादी के लिए। मम्मी ये लीजिए दवाई। मम्मी आप हमारे साथ मोगा क्यों नहीं चलती? हाँ आप यहाँ अकेले रहोगे तो आपको करण की याद और भी आएगी ना, हमारे साथ रहोगे तो थोड़ा चेंज मिल जाएगा आपको। तुम यहाँ करण के रूम में क्या कर रही हो और इस एनवेलप में क्या है? कुछ नहीं बस ऐसे ही, वो मैं मम्मी के मेडिकल रिपोर्ट्स लेने आई थी। मगर मम्मी जी की मेडिकल रिपोर्ट्स तो मम्मी जी के रूम में होंगे ना? हाँ पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे दिमाग ने ना जैसे काम करना ही बंद कर दिया। आप चलिए ना, मैं ये सब ठीक करके आती हूँ। कुंटी कोई अच्छी खबर बता, कुछ पता चला करण के बारे में? साहब करण के बारे में तो नहीं, बरखा के बारे में जरूर कुछ पता चला। क्या? सर करण से नफरत तो इसलिए नहीं करती थी कि उसका कॉलेज छूट गया था, उसकी पढ़ाई छूट गई थी, बल्कि वो एक लड़के से प्यार करती थी और साहब वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन करण के ड्रामेबाजियों की वजह से उनके बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी। और असली खबर साहब ये है कि इन दोनों का अफेयर अभी भी चल रहा है। कौन है ये लड़का, कहाँ रहता है? निहाल अलूवालिया, रणबीरपुर में रहता है। लेकिन बरखा के कॉल रिकॉर्ड में हमें किसी निहाल अलूवालिया का नंबर नहीं मिला, तो क्या ये बरखा दो नंबर यूज कर रही है? हाँ साहब, क्योंकि खबर पक्की है, उन दोनों का चक्कर अभी भी चल रहा है और बरखा की शादी के बाद निहाल बौखला गया। हाँ सर, मैंने मारा था उस साले को। रामनाथ थाना ही। सॉरी सर, पर सब खत्म कर दिया था उसने, कितना कुछ सोचा था मैंने। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, सोचा कि एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो बरखा के बाप से उसका हाथ मांग लूंगा, लेकिन उससे पहले ही करण ने तमाशा कर दिया और बरखा की शादी किसी और से हो गई। 5 सितंबर की रात को कहाँ था तू? सर मैं घर था अपने।
साले अगर तू घर पे था तो जिस वक्त जिस रात करण का मर्डर हुआ तेरा फोन वहां पे क्या कर रहा था? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने करण को नहीं मारा। फिर अब तूने नहीं, तूने और तेरी गर्लफ्रेंड बरखा दोनों ने मिलकर मारा है। तूने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, जब बरखा अपने माँ बाप के घर जाएगी तुम दोनों मिलकर करण का मर्डर करोगे, है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है। उस रात तो बरखा के साथ नहीं था। सर मैंने करण को नहीं मारा सर, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता। ठीक तो सोच ले ज्यादा कब बोलना, तब तक सड़ गए जाने मत देना। सर अगर निहाल ने करण को नहीं मारा तो फिर बता क्यों रहा है कि उस रात करण की कॉलोनी में करने क्या गया था? ये निहाल उस रात बरखा के साथ हो इसलिए नहीं बता रहा, हमें ये पता लगाना है कि क्या इन दोनों ने मिलकर करण का मर्डर किया। देखते हैं कुछ वक्त अंदर रखते हैं, शायद सच बाहर आ जाए। सर अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ की किसी का भी कनेक्शन साहिब नगर से नहीं जहाँ करण की लाश मिली थी, और किसी के फोन रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं मिला। समीर कहीं हम गलत डायरेक्शन में तहकीकत तो नहीं कर रहे? करण की माँ ने बताया कि उनकी 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन कम नहीं होती। सर आपका मतलब है कि जमीन को लेकर कोई झगड़ा? चांसेस हैं सर, अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स करण के नाम हो तो। पता लगा प्रॉपर्टी किसके नाम पर और इनकी माली हालत कैसी, और करण की बहन गुरप्रीत और उसका जीजा अमन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। राइट सर। बरखा तेरी माँ की तबीयत अब ठीक है तो अपनी पैकिंग कर और ससुराल जाने की तैयारी कर ले। पापा मम्मी की तबीयत अभी ठीक है पर पूरी तरह से नहीं ठीक है पापा। जितना बोलना है उतना कर। मिठाई का डिब्बा तो ठीक ठाक रख दिया ना? जी रख दिए, पर आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं? हरजोत को पता चलेगा ना तो। तू टेंशन मत ले, शादी की तैयारी कर, हरजोत को मैं संभाल लूंगा। हाँ जमीन करण के नाम पर थी लेकिन मैं बस अपना हिस्सा मांग रही थी, और इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपने भाई का मर्डर कर दूंगी। कभी नहीं, जबकि आपके हस्बैंड की माली हालत बहुत खराब है, पैसों की तंगी और वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते। हाँ मैंने बिजनेस का पूरा प्लान बना लिया था, अगर वो शुरू हो जाता चल जाता तो हमारी लाइफ बन जाती, लेकिन शुरू नहीं हो पाया है ना, क्योंकि करण ने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से साफ मना कर दिया। हाँ क्योंकि उसे अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता था, वो सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा नशे में उड़ा देना चाहता था। और इस बात का बहुत गुस्सा था? नहीं गुस्सा नहीं था पर बुरा तो लगा था। मैंने तो गुरप्रीत को ये भी बोल दिया था कि कोई जरूरत नहीं उसे हिस्सा मांगने की या पैसे मांगने की। गुरप्रीत अगर वो हिस्सा नहीं देना चाहता तो रहने दो ना, बेकार मैं उसके पीछे मत पड़ूं। क्यों रहने दूं मैं? हाँ वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, मेरा भी उसमें बराबर का हिस्सा है, मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं? और वैसे भी मैं पैसे उड़ाने के लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं तो हमारे बिजनेस के लिए मांग रही हूँ ना। हाँ मुझे पता है पर मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ ना और सब सही चल रहा है। अमन आप क्यों नहीं समझ रहे, वो ये सारे पैसे ड्रग्स में उड़ा देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि गुरप्रीत को हिस्सा चाहिए था और करण से गुस्सा थी कि करण घर के सारे पैसे नशे में बर्बाद कर रहा था, पर गुरप्रीत करण की बहन है, वो अपने छोटे भाई को कैसे मार सकती है? अमन जब बात प्रॉपर्टी पे आ जाती है ना तो अच्छे अच्छे साधु भी डाकू बन जाते हैं। होते होंगे सर, पर गुरप्रीत ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी और करण की बिल्कुल भी नहीं बनती थी ना? हाँ वो मुझे पसंद नहीं करता था क्योंकि मैंने और गुरप्रीत ने उसके पापा की मर्जी के खिलाफ शादी की, लेकिन मैंने करण को नहीं मारा और ना ही गुरप्रीत ने मारा। नहीं सर, ना मेरी बेटी ना मेरा दामाद दोनों ही ऐसा नहीं कर सकते, वजह ही नहीं है उनके पास ऐसा कुछ करने की। उनके पास वजह नहीं है तो किसके पास? क्या पता। करण के दोस्त तेजपाल ने बताया कि मर्डर वाली रात करण बाहर खाना खाने वाला था, क्या कोई ऐसी फिक्स जगह थी जहाँ अक्सर करण खाना खाने जाता था? हाँ जी, हमारी कॉलोनी के बाहर ना एक गुड्डू द ढाबा है, करण अक्सर वहीं जाया करता था। तो मर्डर वाली रात भी करण वहीं गया होगा खाना खाने के लिए? ओ साहब जी ये तो मुफ्त खोर है, वो खाना खाने हमेशा यहीं आता है, वो 100 में से 80 बार तो इसके पास पैसे नहीं होते, उस रात भी यही हुआ था। हुआ पाजी 200 हो गया तेरा, क्या हुआ? पाजी गड़बड़ हो गई। ओ क्या पाज फिर पर्स कर पुल है? ओ साले भिखारी तो शर्म नहीं आती, ओ रोज आ जा फ्री का खाना खाने है, ओ पैसे कौन देगा तेरा बाप? पाजी बाप पे मत जाओ वरना। ओ क्या वरना, ओ एक तो फ्री का खाना खाता है ऊपर से चौड़ा होता है। जी कॉलर छोड़ो मेरा। ओए ओ तू बहुत मार खाएगा मेरे से। पाजी रुको यार, तू लड़ रहा है यार, पैसे नहीं देता यार। तो बिल की बात है ना, मैं देता हूँ इसका बिल, कितना बताओ? 200 हो गया। हेलो, ठीक है
चलो चल। कौन था वो आदमी जो करण को अपने साथ ले गया था? पता नहीं साहब जी, वो पहली बार आया था, मैंने पहली बार देखा उसे। शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? साहब जी स्केच तो मुश्किल है, मैंने उसकी शक्ल अच्छे से नहीं देखी, पर एक काम कर सकता हूँ, अगर वो दोबारा आएगा तो मैं आपको फोन करके बता सकता हूँ। ये पुलिस वाले भी कुछ भी बोलते, मैं अपने भाई को मारूंगी, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। अगर ऐसा नहीं था तो उसके कमरे में पेपर चुराने क्यों गई? गुरप्रीत तुमने पेपर चुराए? किसने मर्डर किया था करण का? क्या बरखा और निहाल ने, जिनके प्यार के बीच करण आ गया था, या हरजोत ने जो बचपन से ही करण से प्यार करती थी लेकिन करण सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, या फिर कातिल कोई अपना ही करीबी था, शायद करण की अपनी बहन गुरप्रीत जो जायदाद में हिस्सा चाहती थी। सभी संदिग्धों के पास कत्ल का मकसद था, पर पुलिस के पास किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। पुलिस ने इस केस में अंधेरे में एक तीर चलाया था, क्या वो तीर निशाने पर लगने वाला था या फिर इस केस की दिशा बदलने वाली थी? सर, निहाल ने ऐसा क्या किया है जो आपने उसे लॉकअप में बंद किया हुआ? जिस वक्त जिस रात करण का मर्डर हुआ, निहाल तुम्हारी कॉलोनी में था, पर वो बताने से मना कर रहा है, तो वहाँ क्या कर रहा था? उस रात उस वक्त वो मेरे साथ था। सबूत क्या है इस बात? सर एक मिनट। सर ये हमारी पर्सनल पिक्चर्स हैं, इन्हें मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहती थी, पर मैं निहाल को अंदर सड़ने भी नहीं दे सकती, आप देख लीजिए। सर एक जबरदस्त खबर मिली है, इंद्रजीत चड्डा नाम का हिस्ट्री शीटर है, साहब पिछले हफ्ते 3 लाख की फिरौती उठाई है। फिरौती किसकी है साहब कह नहीं सकता, करण की या किसी और की। कहाँ मिलेगा इंद्रजीत चड्डा? क्या हुआ सर जी, क्यों दौड़ा रहे हो? चल थाने, अब हमारा डंडा तुझे दौड़ाएगा। करण उस दिन इसी के साथ गया था? ओ हाँ जी, ओ यही था। भाई कौन हो आप? मैं जानता हूँ आपको। नहीं, बस इतना समझ ले कि थोड़ी इंसानियत बची है मेरे लिए, और तुझसे एक छोटा सा काम भी था इसलिए तेरी मदद की मैंने। मुझसे क्या काम होगा? कुछ खास नहीं, बस पता चला कि तू ड्रग्स लेता है इसीलिए। पुलिस वाले हो क्या? अरे डर मत, पुलिस वाला नहीं, एक्चुअली मैंने अभी अपना ड्रग्स का धंधा शुरू किया, तुझे भी कुछ हो तो बोल दे। बोल दूंगा, लेकिन स्टफ अच्छा होगा तभी। एक नंबर स्टफ है मेरे पास, एक नंबर। ट्राई करेगा? अभी अभी है, ट्राई करवा सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरे साथ साहिब नगर तक चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरा सारा धंधा वहीं से ही ऑपरेट करता हूँ। यार आजकल पुलिस ने बहुत टाइट करके रखा है, तो कुछ दिन के लिए थोड़ा छुपके माल बेच रहा हूँ, आगे से कुछ भी चाहिए तो यहीं आना। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो माल दो। ये ले तेरा माल। अरे जब जेब में था तो उधर अमृतसर में ही दे देते ना, इधर क्यों लेके आए? अगर अमृतसर में दे देता तो तुझे मेरे ठिकाने कैसे पता चलता? ट्राई करो, बता कैसे। करण का मर्डर तो नहीं किया। बोल, सुपारी किसने दी? बोल बोल। बताता हूं साहब,
सब बता दो। क्यों मारा करण? वो तुझे पसंद नहीं करता था इसलिए, या गुरप्रीत को हिस्सा नहीं दे रहा था इसलिए? तेरे इस प्लान में गुरप्रीत भी शामिल थी? नहीं नहीं, गुरप्रीत ने कुछ नहीं किया, उसे तो मालूम भी नहीं था। उसे नहीं मालूम तो किसे मालूम? ये सब मैंने अकेले नहीं किया। ऐसा क्या हुआ था कि करण की जान लेने की नौबत आ गई? क्यों किया आपने? इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। ये मेरे अकेले का प्लान था। अमन तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। आपने अपने इकलौते बेटे की जान ले ली। करण ने अपने पापा की डेथ को बुलाने के लिए शराब का सहारा लिया, फिर वो रोज रोज पीने लगा। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसे पैसे देना भी बंद कर दिया। जब देना बंद किया तो उसने छीनने शुरू कर दिए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो हमेशा मुझसे झगड़ा करना शुरू कर देता था। फिर वो नशे के लिए मेरे जेवर तक चुराने लगा। मुझे लगा वो सिर्फ शराब पीता है, पर फिर एक दिन मैंने उसे ड्रग्स लेते हुए देखा और मैं बुरी तरह हिल गई। वो मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं करण को एक रुपया नहीं दूंगी। चार दिन गुजर गए, करण ने ड्रग्स नहीं लिए। मुझे लगा करण ड्रग्स छोड़ सकता है, वो ड्रग्स छोड़ रहा है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन उसका नतीजा इतना भयानक हो सकता है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर्स कहाँ है मम्मी आपका? कहाँ छुपाया आपने? प्लीज बता दो ना पर्स कहाँ है। नहीं बताऊंगी, और तेरे ड्रग्स के लिए तो एक रुपया नहीं दूंगी तुझे मैं। क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, शांति से बता दो कहाँ रखा है पर्स। एक रुपया नहीं दूंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। मार दूंगा मैं। करण ने मुझे मार मार कर मेरे हाथ पैर और पसलियां तोड़ दी। इतना मारा कि मैं एक महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। उस दिन के बाद जब भी मैं उसे पैसे देने से मना करती, वो मुझे बुरी तरह मारता। इतना मारता कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता है कि एक बेटा अपनी माँ को इतना मार सकता है। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और मैंने अमन से मदद मांगी। मेरी हालत देखकर वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गया। मैंने और गुरप्रीत ने करण को दो तीन बार जबरदस्ती नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वहां से भाग आता था। मेरा बेटा तो कब का मर चुका था, ये तो एक शैतान था, एक जल्लाद था, जिसका मर जाना ही ठीक था। आपका बेटा करण गलत जरूर था, पर शायद उसे बचाया जा सकता था। अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करती तो करण जेल में होता, जिंदा होता, तब शायद ठीक भी हो जाता। उसे मौत की नहीं, मदद की जरूरत। आपने अपने इकलौते बेटे की जान ले ली, खुद की, अपने दामाद की, अपनी बेटी की, सबकी जिंदगी खराब कर दी। आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए, धारा 34 के तहत षड्यंत्र के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। हरलीन के मुताबिक उसके पास अपने बेटे करण को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ऐसे केसेस में प्यार और धैर्य के साथ लगातार कोशिश करते रहना ही एक सही तरीका है ड्रग एडिक्ट्स की मदद करने के लिए। क्योंकि अलग करना समस्या का हल नहीं है, बल्कि उन्हें अपनाकर जीवन के प्रति सही दिशा दिखाकर बेजार होने से बचाना ही इसका सही उपाय है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे, और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।